हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग रोम प्लस गेमिंग कर्नल कॉम्बो के बारे में जो कि सिर्फ मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। और गाइस यहाँ पे आए मैं आपको बताऊंगा कि कैसा एफपीएस वगैरह देता है ये कस्टम रोम। और गाइस इस कस्टम रोम और कस्टम कर्नल का लिंक सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट में बताऊंगा कंक्लूजन में क्या ये कस्टम रोम और कस्टम कर्नल बढ़िया सा चिपका के 60 एफपीएस देता है कि नहीं देता, या फिर थोड़ा लैग मिलता है, क्या कुछ मिलता है नहीं मिलता, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। वैसे अगर ये गेमिंग रोम कॉम्बो है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली गेमिंग के ऊपर बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि ये कस्टम रोम कस्टम कर्नल काफी ज्यादा बढ़िया पावरफुल है और गाइस एकदम लेटेस्ट कस्टम रोम है और एंड्रॉइड 14 वाला कस्टम रोम है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और गाइस यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप वगैरह कहाँ देखने को मिलते हैं वो भी सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में, मिलते हैं कि नहीं मिलते वो भी बताऊंगा आज की वीडियो में। वैसे ये मेरा पोको F1 है, तो गाइस पोको F1 के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका। तो पोको F1 जिन जिनके पास है आपको बढ़िया FPS मिलने वाला है, आप ट्रस्ट करो, सिंपली वीडियो को लास्ट तक देखो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरा नाम अनीश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैं एक बार आपको TDM खेल के दिखाऊँ, यहाँ पे मैं TDM लगा के दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि TDM में अगर आपको 1v1 सिचुएशन में फिर 1v4 करना है तो कैसा FPS वगैरह मिलता है। वैसे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे हो चुका है, 37-38 डिग्री तक जा चुका है विदाउट गेमिंग, मैंने गेमिंग करा भी नहीं, इयरबड्स BGMI को खोल के रखा था और देख रहे हो यहाँ पे 60 FPS दिखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। वैसे 90 FPS में खेलने का हैबिट है ना, तो अभी क्या ही करें। दस किल तो कर देते हैं फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे अपनी मेन किल। पूरा मैच खेल के जाते हैं, 32 तो किल हो ही गया है। हक दे भाई, बढ़िया। यहाँ पे मैंने अच्छे से TDM को फुल कंप्लीट किया है, 15 टोकल एकदम हाईएस्ट MEV मार के, और गाइस कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिला मुझे। कभी कभी किसी किसी रूम में ऐसा भी होता है कि थोड़ा हल्का जीटर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस कस्टम रूम में स्टेबल आपको FPS मिल रहा था, ठीक है, एकदम 55-60 अराउंड देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो हम जल्दी से एक एंगल लगा के दिखा देते हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए ये कस्टम रूम कैसा परफॉर्मेंस निकल के देता है। वैसे ये कस्टम रूम में मैंने बहुत सारे TDM मैचेस खेले हैं, बहुत सारे मैंने इरंगल खेले हैं, बहुत सारे मैंने सैरोंग मैच खेले हैं, सारा मैप मैंने खेल रखा है, नूसा भी मैंने खेला है इस कस्टम रूम में, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसका निकल के आता है। वैसे अभी इस फोन के ऊपर खेलते खेलते हैबिट हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी हाथ नहीं बैठ रहा है, वैसे जंप के दौरान थोड़ा सा यहाँ पे FPS फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, लेकिन फिर से अभी देख सकते नॉर्मल में आ चुका है। अभी देखते हैं उतरने के टाइम, फिर से हका था ये, क्या उतार दिया बुआ के घर, उतार दिया क्या मुझे। फोन काफी ज्यादा हीट हो चुका है, मैं बता नहीं पा रहा आपको, बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है, इस साइड में पकड़ा नहीं जा रहा है इस साइड में, लेकिन फिर भी FPS बहुत ही तगड़े दे रहा है ये। समुराई सॉरी सैम था ये, अरे अंदर घुस, तेरी तेरी बहन का पकोड़ा, अरे मार भाई। भाई आ रहा है तुम्हारा फिर से, बस बंदे हो सामने। काफ़ी बढ़िया लेवल को आपने देखा ही है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे स्क्वाड है पोचिंगी के, वहाँ पे भी बहुत सारे स्क्वाड, बहुत ही बंदे दिखे मुझे, मैं पुश भी कर रहा था।
तो बस यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा इसका गेम प्ले था। वैसे बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हीट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ है। मैं बिना एसी के बिना फैन के यहाँ पे हूँ। वैसे घर में एसी नहीं है, गरीबों का घर है, लेकिन यहाँ पे बिना फैन के मैं खेल रहा हूँ, एकदम ही जैसा नॉर्मल वेदर होता है ना वैसे। और गाइस यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा खासा इसने स्टेबल एपीएस मेंटेन किया है। हाँ गाइस, जब स्क्वाड ज़्यादा आ जाते हैं तब ये लैग डेफिनेटली करता है। तो बस आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा, और यहाँ पे ये कर्नल और ये रोम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ये कौन सा रोम और कौन सा कर्नल में मैं खेल रहा था। गाइस ये जो रोम है ना, ये है इवोल्यूशन एक्स 8.5, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले रिव्यू किया। इसका फुल रिव्यू जानना है तो आपको आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगा। और गाइस कर्नल एसयू के बारे में क्या है उसका भी आपको वीडियो आई बटन में देखने को मिल ही जाएगा। आप जाके डेफिनेटली आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, या फिर मेरे प्ले लिस्ट में जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो कि कर्नल एसयू क्या होता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे कर्नल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये हीलियस केएसयू जो परफॉर्मेंस फोकस वाला कर्नल है ना, उसको मैंने फ्लैश किया है इस कस्टम रोम के साथ। और गाइस ये जो कस्टम रोम है ये एकदम लेटेस्ट बिल्ड के साथ आता है अप्रैल 5 का, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। इसका जो स्टॉक कर्नल आता है ना, उसमें उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था, लेकिन गाइस ये जैसे ही मैंने इस कस्टम कर्नल को यूज़ किया, मुझे बेहतरीन FPS बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हाँ गाइस बैटरी बैकअप की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए तो गाइस आप बैटरी बैकअप फोकस भी कर्नल यूज़ कर सकते हो। दोनों का ही लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको स्मार्टफोन रिव्यूज पे इंटरेस्ट है, आप मेरा और एक चैनल है जहाँ पे मैं स्मार्टफोन के ऊपर रिव्यूज करता हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइस कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरीज वगैरह है, आप सिंपली मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं हमेशा क्वेश्चन है उसका आंसर वगैरह देता रहता हूँ। और मेरा जो अपडेट्स वाला चैनल है जहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह पूछ करते रहता हूँ, जो जो नए नए यहाँ पे टेक इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहे नहीं हो रहे, सारा कुछ मैं जानकारी वहाँ पे दे देता हूँ। तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा, सिंपली मेरा तो ग्रुप है, और गाइस मेरा जो अपडेट चैनल है उसको दोनों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ज्वाइन करके रखो, जो जो नए नए खबरें आएंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा इस चैनल में। सो गाइस बस आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा, और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर में फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन आई एम ऑन लीव, बाय बाय गाइस।